हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में मैं क्या बताने वाला हूं आपको, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा यही चैप्टर आईसीएसई वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ाया जाता है, और आपके लिए क्या पढ़ाया जाएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चूंकि आप आगे जब जाओगे क्लास इलेवंथ में, तो आप इसी चैप्टर को कैसे पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हो, इसी चीज को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताना स्टार्ट करता हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, आपको छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए कई पार्ट में बनाऊंगा, ताकि आप उसको आसानी से जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सकते हो, और ये चैप्टर भी आपको तैयार हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। कुछ ऐसी बेसिक चीजें भी मैं आपको समझाने वाला हूं इसमें, कार्बन एंड कंपाउंड्स में, जो आप इसको बेसिक चीजों को समझ जाओगे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कह लीजिए कार्बन एंड कंपाउंड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, कार्बन एंड कंपाउंड क्या है। देखिए, कार्बन जो हमारे लाइफ में है ना, वो हर जगह प्रेजेंट है, चाहे भोजन में चले जाइए, जो खाना खाते हैं उसमें हमारे पास है, कपड़े लगते हैं उसमें भी है, जो मेडिसिन खाते हैं उसमें भी है, जो ऑयल घी ये सब यूज करते हैं घर में, उन सब जगह में कार्बन और उसके कंपाउंड प्रेजेंट है। इसीलिए हमें कार्बन और कंपाउंड, कार्बन और उससे बने कंपाउंडों को एक अलग हिस्से में रख के पढ़ने की जरूरत है। हमारे पास जितने सारे कंपाउंड प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, उन मिलियंस ऑफ कंपाउंड में से 90-95% के जो कंपाउंड है वो सब कार्बन और उसके कंपाउंड ही हैं। अब इतने सारे कंपाउंड अगर हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करते, इतने सारे कंपाउंड जो है हमारे लाइफ के हिस्से बने हुए हैं, तो इन सारे कंपाउंड के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम इनके बारे में जानेंगे तो देखिए मेडिसिन में क्या है, कैसे बना हुआ है, क्या क्या डला हुआ है उसमें, ताकि जो हम खा रहे हैं हमारी बीमारी ठीक हो जा रही है, परेशानी ठीक हो जा रही है, वो सब चीजों को हम समझ पाएंगे। केमिस्ट जो होता है इसके बारे में इसकी बहुत ज्यादा जानकारी होती है, वो इन चीजों को जानता है कि कौन से कंपाउंड कितनी मात्रा में मिलाएंगे तो कौन सी परेशानी ठीक हो जाएगी, इसलिए ये सारे कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं। जो कपड़े लत्ते बने हुए हैं वो सब कार्बन और उसके कंपाउंड से बने हुए हैं, जो भोजन हम करते हैं उसमें भी कार्बन और उसके कंपाउंड है। तो भाई, हर जगह जब कार्बन और कंपाउंड है तो इसके बारे में हम जानेंगे तो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे और उसको बेहतर बना पाएंगे। ये सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो अभी ये बात समझ में आ गया कि कार्बन और कंपाउंड्स, कार्बन और उसके कंपाउंड्स हमारे लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए हम इन कंपाउंडों के बारे में आज पढ़ेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई कि क्यों कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट का नाम है, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट का नाम है जो कि नॉन मेटल है, बस, या कह सकते हैं नॉन मेटल है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। जनरली इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड वाला ऑलरेडी चैप्टर आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बॉन्ड वाले चैप्टर से यहाँ डील नहीं करने जा रहा हूँ, है ना। मैं डायरेक्ट कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, उन मिलियंस ऑफ कंपाउंड में से 90-95% के जो कंपाउंड है वो कार्बन के क्यों है, कार्बन के पास क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है उसके पास, क्या ही ऐसा प्रॉपर्टी शो कर देता है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और सिर्फ 5-10% के बाकी कंपाउंड्स है, है ना। 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कंपाउंड्स मिलियंस में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, और बाकी एलिमेंट 117 एलिमेंटों के कंपाउंड उतने नहीं है जितना अकेले कार्बन के हैं। तो कार्बन की कुछ तो प्रॉपर्टी हो रही होगी, कुछ तो ऐसी बिहेवियर, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बॉन्डिंग का तरीका होगा जिसके वजह से कार्बन के इतने प्रॉपर्टीज पाए जा रहे हैं, या इतने सारे कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए बताता हूं मैं, हमारे पास है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की कुछ यूनिक नेचर है, और उस यूनिक नेचर की वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड पाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सी यूनिक नेचर है, कौन सी यूनिक नेचर इसके अंदर है जो बाकी एलिमेंटों के पास नहीं है, जो इतने सारे कंपाउंड बना ले रहे हैं जितने कार्बन बना रहे हैं, वो यूनिक नेचर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और बताएंगे भी कि क्यों इतने सारे कंपाउंड इसके एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें यूनिक नेचर में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या है, तो देखिए कैटिनेशन का मतलब समझिए, कार्बन के पास खुद से जुड़ने की एबिलिटी काफी ज्यादा होती है, वो आपस में हाथ से हाथ पकड़ के जुड़ जाता है, बहुत लंबा चैन बना सकता है जो बाकी कंपाउंड नहीं बना पाते हैं। ये एक मेन प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर सबसे ज्यादा है, बाकी कंपाउंड में, बाकी एलिमेंटों में भी होती है लेकिन बहुत कम होती है, ये उतने लंबे चैन नहीं बना पाएंगे जितना कार्बन बना लेगा।
तो ये कैटिनेशन का मतलब क्या होता है इसको मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैटिनेशन क्या है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से लिंकिंग मतलब क्या, आपस में जुड़ना, सेल्फ मतलब आपस में, है ना, सेल्फ मतलब आपस में, लिंकिंग मतलब जुड़ना। जब आपस में जुड़ने की जो एबिलिटी है, कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन बोल देते हैं। और ये जो कैटिनेशन ये कार्बन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए कार्बन के बहुत लंबे लंबे चैन बन जाते हैं। अब कार्बन के इतने सारे लंबे चैन बनेंगे तो जाहिर सी बात है उसके कंपाउंड की संख्या भी ज्यादा होगी। भैया दो कार्बन जुड़े थे एक कंपाउंड, तीन कार्बन जुड़े थे एक कंपाउंड, चार कार्बन जुड़े थे एक और कंपाउंड, पांच कार्बन जुड़े थे एक और कंपाउंड, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, दस कार्बन, बीस कार्बन, ऐसे कार्बन जुड़ता जाएगा तो भैया तो हमारे पास तो बहुत सारे कंपाउंड बना लेंगे हम। कि अगर एक कार्बन जोड़े, जैसे देखिए दो कार्बन को जोड़ दिए एक कंपाउंड बन गया, है ना, ये बैलेंसी को शो कर रहा है इसके, जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसे तीन कार्बन को जोड़ दिया एक और कंपाउंड बन गया, ऐसे चार कार्बन को जोड़ दिया एक और कंपाउंड बन गया, ऐसे पांच कार्बन को जोड़ दिया हमने एक और कंपाउंड बन गया हमारे पास। तो भाई मेरे आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के बहुत लंबा चेन बना दे रहा है जो बाकी सब एलिमेंट नहीं बना पाते हैं। इसी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। पहला रीजन आपको मिल गया कि कार्बन में क्या ऐसा यूनिकनेस है जिसके वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड है। पहला यूनिक प्रॉपर्टी यह है कि उसके पास कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी उसके पास ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन के इतने सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। देखिए एक दो तीन चार और ऐसे बहुत सारे कार्बन को जोड़ देंगे तो उसके कंपाउंड बन जाएंगे। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा हमारे पास होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की? भाई मेरे जो कार्बन है ना हमारे पास, वो कार्बन क्या कर सकता है, आपस में जुड़ तो रहा है इस तरह से, लेकिन वो जुड़ने के कई तरीके हैं उसके पास। हो सकता है वो सीधी लाइन में जुड़ जाए सभी कार्बन, हो सकता है ब्रांचेस बना ले ऊपर नीचे, हो सकता है वो आपस में सर्कल बना ले, क्लोज्ड कंपाउंड बना ले, क्लोज पाथ बना ले, तो उसके जुड़ने के बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब ये कई कार्बन कंपाउंड कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मान लो ये पांच कार्बन से बना हुआ है ना, ये पांच कार्बन से ऐसे भी जुड़ सकता है, पांच कार्बन से ऐसे भी जुड़ सकता है। देखिए जरा, ये चार कार्बन हो गए, एक कार्बन यहां के जुड़ गया, वही कंपाउंड है लेकिन देखिए फॉर्म बदल गया, तो ये नया कंपाउंड हो जा रहा है। अब देखिए पांच कार्बन से ऐसे भी जुड़ सकता है, तीन कार्बन एक साथ, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, देखिए नया कंपाउंड हो गया, इसमें भी पांच कार्बन है, इसमें पांच कार्बन है, इसमें पांच कार्बन। देखिए तीन पांच कार्बन वाले कंपाउंड तीन तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका स्ट्रेट लाइन में जुड़ जाए, ऐसे ब्रांचिंग बना ले, ऐसे ब्रांचिंग ऐसे बना ले, या ऐसे बना सकता है। ऐसे अब देखिए पांच ही कार्बन है लेकिन देखिए इनके तरीके कितने हो गए, ज्यादा हो गए ना। इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, कार्बन के अंदर एक ऐसी बिहेवियर, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से एक ही कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर इसको मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा कैसे, C5H12 लिखूंगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखा। लेकिन अगर इसमें देखें तो कार्बन 5 है, इसमें भी कार्बन 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में कार्बन की संख्या 5 है। लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है कि कार्बन की संख्या क्या 5 होने के बाद भी देखिए एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका और ये चार, चार तरीके के कंपाउंड बना ले रहे हैं। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग है सबका। इस कंडीशन में ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि कार्बन के अंदर, मैं यहां लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, समझाने के लिए बस बनाया था मैंने, यहां लिख के बता देता हूं इस चीज एग्जाम्पल में, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। देख क्या चीज नोट कर सकते हो, आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स
by which it have, you know, by which it have same molecular formula but different structural formula is known as आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हो गया? आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया हमारे पास कि आपस ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपस में जुड़ रहे हैं तो उनके पास जुड़ने के कई तरीके हैं, या तो स्ट्रेट लाइन में जुड़ जाए, ब्रांचिंग बना लें, क्लोज्ड पाथ बना लें, उस तरीके से जुड़ सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि वो कई तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसी को आइसोमेरिज्म। भैया रूप एक रहेगा, रंग अलग अलग रहेंगे, है ना। जैसे हम लोग कार्बन में एक और पढ़े जिसको एलोट्रॉफी बोलते हैं, एलोट्रॉफी। कार्बन रहेगा लेकिन उसके बहुत सारे एलोट्रॉफिक फॉर्म होते थे, जैसे कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, फ्लोरेसेंस बकमिंस्टर फ्लोरेंस आता है, उतने सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको एलोट्रॉफी बोलते थे। यहां पर इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलाता है? आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो भैया आदमी ही रहेगा लेकिन उसका चेहरा अलग अलग है, कहने का मतलब यह है। उसी तरह से आइसोमेरिज्म हो गया कि भैया कंपाउंड कई है लेकिन उसको एग्जिस्ट करने के जो तरीके हैं वो कई हैं। वो स्ट्रेट चैन में, ब्रांच चैन में, ब्रांचिंग भी कई तरीके से हो सकती है, क्लोज चैन में क्लोज बना सकता है, ये सब तरीके हमारे पास। तो ये हो गया कार्बन और उसके प्रॉपर्टी के बारे में कि दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास आइसोमेरिज्म। और तीसरा हमारे पास क्या है? टेट्रावैलेंसी। तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी क्या है? टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब होता है? टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो उसकी वैलेंसी कितनी है? चार है। भैया उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? छह होता है। एटॉमिक नंबर उसका छह होता है, तो जितना जेड होगा उतना ही पी होगा, उतना ही ई होगा, ये मैंने बता रखा है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? छह। के एल एम में अरेंज करेंगे तो पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में चार इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहरी सेल में चार इलेक्ट्रॉन है। अगर स्टेबल होना चाहता है तो चार इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा, तो चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? चार। अब चार वैलेंसी है तो इसकी क्या खासियत है भैया? सिलिकॉन के पास भी तो चार होता है, जर्मेनियम के पास भी तो चार होता है, इसके पास चार वैलेंसी है तो क्या हो गया? तो भाई मेरे, अगर इसके पास चार वैलेंसी है कार्बन के पास, तो इस कंडीशन में ये चार अलग अलग एलिमेंटों से जुड़ सकता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है ना, तो चार वैलेंसी है, या नाइट्रोजन से जुड़ जाए एक कंपाउंड बन जाएगा, या ऑक्सीजन से जुड़ जाए एक और कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, या कोई क्लोरीन जुड़ जाए एक और कंपाउंड बन जाएगा, या ब्रोमीन जुड़ जाए एक और कंपाउंड बन जाएगा, तो अलग अलग कंपाउंडों से जुड़ सकता है। अब ये कहीं एलिमेंट, एक ही एटम कई सारे अलग अलग एलिमेंटों के एटमों से जुड़ सकता है और कई सारे कंपाउंड बना सकता है। देखिए ये कई सारे नहीं बना लेगा, अभी तो एक कार्बन है, अगर एक कार्बन यहाँ और जोड़ दें, फिर उसमें कुछ और जोड़ दें तो वो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, फिर एक और कार्बन जोड़ दें यहाँ पे और उसमें और कुछ जोड़ दें तो एक और नया कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह से अगर देखें तो भाई कंपाउंड तो यही बहुत सारे बन जाएंगे, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी कंट्रीब्यूट करती है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनाने में। तो कार्बन के पास वैलेंसी चार है, मतलब चार अलग अलग नए नए एटमों से जुड़ के वो चार अलग अलग एटम बना सकता है, चार नए नए कंपाउंड बना सकता है। फिर दो कार्बन जुड़ जाए तो छह नए नए कंपाउंड बना सकता है, आठ बना सकता है, दस, उससे ज्यादा बना सकता है, बहुत सारे बना सकता है। ये तीन मेन प्रॉपर्टी है, इसको जरा लिख दो। कार्बन की टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होने का मतलब क्या है कि कार्बन हैव द वैलेंसी फोर, कार्बन हैज द वैलेंसी, कार्बन ऑफ टेट्रावैलेंसी मीन्स द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज VALA वैलेंसी, VALENC भाई होता है, ठीक है ना। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर, टेट्रावैलेंसी का मतलब हुआ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर, मतलब जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो चार हो जाएगी। चार हो जाएगी मतलब चार नए नए कंपाउंड, चार नए नए एलिमेंटों से जुड़ सकता है, जुड़ने की वजह से नए सारे कंपाउंड बना सकता है। तो ये बात समझ में आ गई कि कार्बन का यूनिक नेचर ही उसको ऐसा लायक बनाता है कि वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, इसीलिए कार्बन के इतने सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, कई हजार कई लाख कंपाउंड इसके पाए जाते हैं कार्बन के। और सिर्फ तीन रीजन के वजह से, कैटिनेशन कार्बन में सबसे ज्यादा होता है, आइसोमेरिज्म कार्बन में सबसे ज्यादा होता है, टेट्रावैलेंसी तो एक रीजन हो ही जा रही है। तो ये तीन मेन रीजन है जिसके वजह से कार्बन के इतने सारे प्रॉपर्टी, इतने सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करने के पीछे का रीजन क्या है, ये उसका रीजन है।
अब हम आपको बताएंगे कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, जिनको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कितने भाग में बटे हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके, इन सब चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक छोटा सा, मैंने कहा ना छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आप पढ़ो एक बार में आपको समझ में आ जाए, बोरिंग ना महसूस हो, क्योंकि जब आप पढ़ते जाओगे लंबे समय तक पढ़ते हो ना बोरिंग होने लगता है ना। और पढ़ने का भी मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, क्या पढ़ने का सही तरीका होता है, उसका भी एक वीडियो बनाकर मैं दूंगा, आप कमेंट में डालिएगा, मैं उसको एक सही वीडियो बना के दूंगा कि कैसे बैठ के पढ़ा जाए ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपको समझ में आ गया है, इसको आप नोट कर लीजिए और मिला जाएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।